एवरीवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मॉडल क्वेश्चन फॉर सेल डीआरडी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर मेटलर्जी ठीक है तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं ऐसे ही तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा है ना तो वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा तो वो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ए सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब इसमें से कौन सा टेस्ट जो है वो सेमी डिस्ट्रक्टिव है मतलब पूरा डिस्ट्रक्टिव भी नहीं है पूरा नॉन डिस्ट्रक्टिव भी नहीं है दोनों बीच का कौन सा है ऑप्शन है हार्डनेस टेस्ट टेंसाइल टेस्ट इम्पैक्ट टेस्ट या फटिक टेस्ट तो यहाँ पे आंसर है हार्डनेस टेस्ट ठीक है क्योंकि हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है छोटा सा इंडियन होता है मटेरियल पर मतलब आपका जो कंपोनेंट है वो पूरी तरीके से खराब नहीं होता है मतलब टूटता भी नहीं है ठीक है है ना तो इसलिए हम हार्डनेस टेस्ट को क्या बोलेंगे सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और बाकी जो तीन और टेस्ट दिए हैं इसमें से इन सब में क्या है मटेरियल क्या हो फ्रैक्चर हो जाता है मतलब टूट जाता है टेस्टिंग के बाद मतलब उसकी यूजेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रॉकवेल टेस्ट फॉर लो कार्बन एंड मीडियम कार्बन स्टील इन द एनहेल्ड कंडीशन विच स्केल इज़ यूज मतलब बोल रहा है कि अगर लो कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील है एनहेल्ड स्टील एनहेल्ड कंडीशन में एनहेल्ड कंडीशन मतलब इसका एनहेलिंग किया जा चुका है ठीक है तो उसका अगर हार्डनेस हमको नापना है रॉकवेल से तो कौन सा स्केल इस्तेमाल करेंगे स्केल बी स्केल सी बोथ या स्केल ए तो राइट आंसर यहाँ पे स्केल बी ठीक है स्केल बी का इस्तेमाल करेंगे जनरली स्केल बी थोड़ा कम हार्ड मटेरियल के के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पे लो कार्बन और मीडियम कार्बन का एनहेल्ड कंडीशन दिया है एनहेल्ड कंडीशन मतलब जिसका हम एनहेलिंग किए हैं तो एनहेलिंग करने के बाद हार्डनेस जनरली क्या हो जाता है कम हो जाता है इसलिए हम रॉकवेल बी स्केल का इस्तेमाल करेंगे ठीक है रॉकवेल सी जनरली हार्ड मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं इसमें हम डायमंड इंडेंटर यूज़ करते हैं और रॉकवेल बी में हम स्टील बॉल इंडेंटर का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द पी आयरन अप्रोक्सीमेटली कंटेंस तो पी गायरन में अप्रोक्सीमेटली क्या होता है नाइन्टी फाइव परसेंट कार्बन कितना होता है आप लोग को जनरली ये पता होगा तो आप लोग इसका आंसर खुद करो चारों में से कौन सा आंसर सही होगा कमेंट सेक्शन में बताओ ठीक है बहुत आसान आ, आसान है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड ऑनली एक्सपेरिमेंटली कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्टैचुएमेट्री ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो कैन बी फ्रैक्शनल ठीक है तो राइट right आंसर देखो यहाँ पे है बी ये वाला कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्टैचुएमेट्री ऑफ द रिएक्शन मतलब किसी भी रिएक्शन का हम ऑर्डर निकाल सकते हैं उसके स्टेचमेट्री से ठीक है बाकी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट तीनों गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ कमर्शियल डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ एक्चुअली यहाँ पे यह आएगा द प्रोडक्ट ऑफ कमर्शियल डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन ठीक है यहाँ पे ये भूल गए यहाँ पे आयरन ठीक है तो डायरेक्ट आयरन प्रोडक्शन किसको बोलते हैं लिक्विड आयरन सॉलिड आयरन स्पंज आयरन या आयरन सेचुरेटेड विथ कार्बन तो राइट right आंसर है यहाँ पे स्पंज आयरन ठीक है स्पंज आयरन को हम डी भी बोलते हैं डायरेक्ट डिड्यूज आयरन जिसके लिए हम रोटली किलन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है एक अल्टरनेटिव प्रोसेस है आयरन मेकिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन प्रेसिपिटेशन हार्डनेबल लॉय लाइक डुरिमिन इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेट कैन फॉर्म ड्यू टू मतलब बोला कि जब प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर जो इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेट बनता है वो क्यों बनता है ऑप्शन है डिफिकल्टी ऑफ न्यूक्लिएशन ऑफ फाइनल प्रेसिपिटेट, डिफिकल्टी ऑफ ग्रोथ ऑफ फाइनल प्रेसिपिटेट, ईज ऑफ डिफ्यूजन या कोहरेंसी स्ट्रेन तो राइट आंसर यहाँ पे कोहरेंसी स्ट्रेन ठीक है कोहरेंसी स्ट्रेन की वजह से प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग में क्या होता है प्रेसिपिटिस प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होता है अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है है ना आप सर्च करोगे तो मेरे नाम से तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ़ द रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेट डिक्रीजेस मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जो रिएक्टन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा कैसे डिक्रीज होगा लाइन लीनियरली विथ टाइम एक्सपोनशली विथ टाइम लॉग्रिथमेटिकली है ना विथ टाइम या इनवर्सली विथ टाइम तो राइट आंसर यहाँ पर यहाँ पर होगा लीनियरली विथ टाइम ठीक है अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना तो जो कॉन्सेंट्रेशन है जो रिएक्टिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ कैसे होता है घटता है ठीक है टाइम के साथ क्या होगा घटते जाएगा तो वो लीनियर होगा टाइम के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलोकेशन क्रॉस स्लिप इज ए डिफिकल्ट इन दोज मटेरियल विच हैव लार्ज नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम हाई वर्क हार्डनिंग रेट कोर्स ग्रेन साइज ग्रेन है कोर्स ग्रेन साइज या लो स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी तो राइट आंसर है यहाँ पे लो स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी ठीक है तो क्रॉस क्रॉस स्लिप होने के लिए आपको जो क्रॉस स्लिप जो होता है ना मतलब यहाँ पे क्रॉस स्लिप का मतलब क्या होता है आपको पता है कि स्लिप जो है एक सर्टेन प्लेन में होता है ठीक है तो अगर जो एफ सी मेटल है वहाँ पे तो जो स्लिप प्लेन है उसकी कमी नहीं होती बहुत सारा स्लिप प्लेन होता है बट बी और एच के केस में क्या होता है है ना वहाँ पर क्या होता है ना जनरली ज़्यादातर स्लिप प्लेन की कमी होती है ना स्लिप प्लेन उतना होता नहीं या डेंस प्लेन उतना होता नहीं है तो वहाँ पे जो स्लिप है ना जो जो स्लिप है वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जंप जंप कर जाते है इसको बोलते हैं क्रॉस स्लिप ठीक है तो क्रॉस स्लिप होने के लिए आपको स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी हाई होना चाहिए ठीक है तो स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी अगर लो होगा ना तो क्रॉस स्लिप डिफिकल्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन ए बैनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल सुपर कूलिंग कैन अकर इन तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपर कूलिंग कैसे होता है क्यों होता है ऑप्शन है दी मेटल विथ हायर मेल्टिंग पॉइंट द मेटल विथ लोअर मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड सोल्यूशन या ऑल ऑफ दी एबो तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे सॉलिड सोल्यूशन ठीक है तो सॉलिड सोल्यूशन जो होता है ना आइसो सिस्टम में उसमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुपर कूलिंग होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपर कूलिंग के कारण क्या होता है कंपोजिशनल डिफरेंस आता है जैसे आपका मान लीजिए पार्ट है ठीक है तो होता क्या है जो फर्स्ट जो सॉलिड जो बनेगा जैसे ये मोल्ड है तो मोल्ड के सरफेस में जो मेटल बनेगा ना जनरली वो प्योर होता है वो प्योर मेटल होता है उसमें सॉल्यूट कंटेंट बहुत कम होता है ठीक है क्योंकि जो सॉल्यूट है वो लिक्विड में ज़्यादा डिजॉल्व होता है तो जो पहला सॉलिड बनेगा ना वहाँ पर वहाँ पर इम्प्योरिटी बोल सकते हो या अलावाइ एलिमेंट कम रहेगा ठीक है और जो सेंटर में जो लास्ट में सॉलिडिफाई होगा वहाँ पर क्या होगा सबसे ज़्यादा अलॉय एलिमेंट या सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होगा ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कूलिंग से यही होता है कि आपका कंपोजिशन डिफरेंस हो जाता है ठीक है एक ही पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रोस्टिंग परफॉर्म फॉर विच टाइप ऑफ ओर तो रोस्टिंग हम कौन से ओर का करते हैं ऑक्साइड ओर हेलाइड ओर सल्फाइड या और या कार्बोनेट ओर तो राइट आंसर यहाँ पे सल्फाइड ओर सल्फाइड ओर का हम जनरली रोस्टिंग करते हैं क्योंकि सल्फाइड ओर से डायरेक्टली मेटल प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है डायरेक्टली उसका आप स्मेल्टिंग रिडक्शन नहीं कर सकते मेट स्मेल्टिंग नहीं कर सकते तो हमको सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करके उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है ठीक है फिर वहाँ से ऑक्साइड उसके ऑक्साइड ओर से हम मेटल का प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं ठीक है, है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट इक्वेशन तो यहाँ पे सही इक्वेशन कौन सा है ये एक्चुअली में यहाँ पे पूछ रहा है डेल जी वर्सेज डेल जी और जो इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट है उसके बीच क्या रिलेशन है है ना तो ऑप्शन देखो डेल जी इज इक्वल टू आर टी एल एन के डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के डेल जी इज इक्वल टू टी एल एन के या डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर एल एन के तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पे सेकेंड वाला डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के ठीक है ये डेल जी और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के बीच रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ से काफ़ी सारी जानकारी मिलती है इसके लिए भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है बेसिक थर्मोडाइनमिक्स के नाम से ठीक है वो भी आप देख सकते हो अगर आपको डिटेल में और जानना है तो ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलिंगम डायग्राम तो इलिंगम डायग्राम के एप्लीकेशन इनमें से कौन सा नहीं है ऑप्शन है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बोथर्मिक रिडक्शन टेम्परेचर सेकेंड है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मेटलोथर्मिक रिडक्शन नेक्स्ट है गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन रेट टेल्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे होगा ये सी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन रेट तो इलिंगम डायग्राम जो है रिएक्शन रेट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता ठीक है बाकी सब उसका एप्लीकेशन है जैसे इलिंगम डायग्राम से आप कार्बोथर्मिक रिडक्शन जो कार्बोथर्मिक रिडक्शन है वो किस टेम्परेचर पे पॉसिबल है वो आप पता लगा सकते हो ठीक है और मेटलोथर्मिक रिडक्शन का पॉसिबल है कब नहीं है ये भी आप पता लगा सकते हो और ये जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी भी बताती है ठीक है कि कोई कंपाउंड कितना है स्टेबल है जनरली जो जितना नीचे रहता है लिंगम डायग्राम में वो ज़्यादा स्टेबल होता है और अगर आपको डिटेल से जानना है तो ऑलरेडी मैंने लिंगम डायग्राम के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है बहुत डिटेल से उसमें बनाया है मैंने वो आप सर्च करोगे ना इलिंगम डायग्राम बाई जनक कुमार तो आपको मिल जाएगा देखते नेक्स्ट क्वेश्चन द कैथोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑलवेज कैरीज तो कैथोड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है ना वो क्या होता है नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है या जीरो चार्ज होता है या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ठीक है तो देखो राइट right आंसर है यहाँ पे नेगेटिव जो कैथोड होता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑलवेज नेगेटिव से कनेक्ट रहता है जैसे सेल है ठीक है सेल का जो कैथोड है वो नेगेटिव से कनेक्ट रहेगा और जो एनोड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा ठीक है जनरली जब इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रो में जब हम मेटल का रिफाइनिंग करते हैं या मेटल का आ, जो एक्सट्रैक्शन करते हैं ना तो ये काम आता है इसमें क्या होता है ना जो एनोड में हम इम्प्योर मेटल लग देते हैं इम्प्योर मेटल तो एनोड जो है धीरे धीरे क्या होता है डिज़ोल्व होता है ठीक है डिजोल्व होने से क्या बनता है उसका कैटाइंस बनता है जैसे कॉपर कैटाइंस बनता है ये कॉपर का टैंस क्या करता है एनोड में तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि एनोड जो है नेगेटिव से जुड़ा हुआ है ठीक है तो ये कॉपर आयंस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये ये कैथोड में जाकर के क्या है चिपक जाता है ठीक है तो ये प्रोसेस लगातार चलता है इससे क्या होता है एनोड डिजोल्व होते रहते हैं और कैथोड में आके वो डिपॉजिट होने लगता है ठीक है ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रिंसिपल है ना आपको कोरोजन में भी बहुत काम करता है ठीक है मेटलर्जी मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है इसका इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्री हीटिंग प्रायर टू वेल्डिंग इज डन फॉर द पर्पस ऑफ तो वेल्डिंग से पहले कभी कभी प्री हीटिंग भी करते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है ऑप्शन है डिक्रीजिंग कूलिंग रेट फैसिलिटेटिंग फ्यूजन ऑफ हाई मेल्टिंग मेटल्स प्रिवेंटिंग हॉट क्रैकिंग या इंश्योरिंग फुल पेनिट्रेशन को तो राइट आंसर है यहाँ पे प्रिवेंटिंग हॉट क्रैकिंग ठीक है हम वेल्डिंग से पहले कभी कभी प्री हीट करते हैं जनरली हाई कार्बन स्टील वगैरह अगर को करना है तो तो इससे क्या होता है ना आप क्या होगा रूम टेम्परेचर से डायरेक्ट उसको मेल्ट करोगे तुरंत उसको लो टेम्परेचर से एकदम हाई टेम्परेचर में लेके जाओगे तो क्या होता है ना इसे थर्मल शॉक लगता है मेटल को थर्मल शॉक के कारण कई बार मेटल अगर ब्रिटल नेचर का होगा ना तो वो ब्रेक हो जाता है टूट जाता है ठीक है तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए मतलब हार्ट क्रेकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा प्रीहीट करते हैं वेल्डिंग के पहले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मोस्ट सीरियस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स फ्रॉम फ्रैक्चर टफनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे सीरियस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कौन सा है जो फ्रैक्चर टफनेस को घटा देता है है ना ऑप्शन है सरफेस रफनेस और इस्फेरिकल इंक्लूजन या क्रैक्स तो राइट right आंसर यहाँ पे क्रैक्स ठीक है क्रैक अगर मेटल में होगा ना ठीक है तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा वो मतलब उसमें लोड सहने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहेगी है ना उसका टफनेस कम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अगर क्रैक है तो थोड़ी सी लोड में जो क्रैक ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है ना वो प्रोपेगेट हो जाएगा जैसे ये मेटल है मेटल के अंदर में अगर क्रैक है तो जब आप इसमें लोड लगाओगे ना तो ये क्रैक क्या करेगा प्रोपेगेट हो जाएगा और इस तरह से ये मेटल बीच से ब्रेक हो जाएगा ठीक है बाकी सब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है सरफेस रफनेस पोर और स्फेरिकल इंक्लूजन लेकिन जनरली पोर और स्फेरिकल इंक्लूजन क्या होता है ऐसे गोल होता है ठीक है तो अगर कोई भी जैसा गोल होता है ना तो वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होता है ठीक है स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है अगर किसी भी हिस्से में अगर कोई नीडल टाइप का स्ट्रक्चर हो या नुकीला हिस्सा हो तो उस नुकीले हिस्से में क्या होता है ना स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये नुकीले हिस्से में स्ट्रेस ज़्यादा लगता है और वो जल्दी प्रोपेगेट होता है और कोई भी डिफेक्ट अगर स्फेरिकल नेचर का होना तो उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है ठीक है चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रेनॉल्ड्स नंबर इज़ द रेशियो ऑफ तो रेनॉल्ड नंबर किसका रेशियो है इनिशिया फोर्स टू विस्कस फोर्स इनिशिया फोर्स टू बियन्सी फोर्स विस्कस फोर्स आ, विस्कस फोर्स टू बियन्सी फोर्स या विस्कस फोर्स टू सरफेस टेंशन तो राइट आंसर यहाँ पे इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स इसका रेशियो होता है रेनॉल्ड्स नंबर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन द बेयर प्रोसेस बॉक्साइड इज डाइजेस्टेड अंडर प्रेशर यूजिंग तो बेयर प्रोसेस में बॉक्साइड को हम किसके अंदर डिजोल्व कराते हैं मतलब तो डाइजेस्ट कराते हैं ऑप्शन एच टू एस फोर एन एच एन एच थ्री या एच सी एल तो राइट आंसर यहाँ पे एन ए ओ एच उसके अंदर हम जो अपना बॉक्साइड है उसको डिज़ोल्व कराते हैं इससे क्या होता है जितना एलुमिना होता है ना वो डिज़ोल्व हो जाता है और जितने भी गैंग है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते तो बाद में उसको हम अलग कर लेते हैं जो गैंग है उसको रेड मड बोलते हैं उसको अलग कर लेते हैं और एनओ एच जिसके अंदर आपका एलुमिना जो है एल टू थ्री डिज़ोल्व हुआ है उसको अलग कर लेते हैं ठीक है तो बैर प्रोसेस से हम ना प्योर एलुमिना प्राप्त करते हैं फिर उसी प्योर एलुमिना से हॉल्ट हरॉल्ट प्रोसेस से हम एलुमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं ठीक है ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी के थ्रू होते हैं और ये जो है ये हाइड्रोमेटलर्जी है जो इसको डिजोल्व कराते हैं ना वो है हाइड्रोमेटलर्जी और जो आगे का प्रोसेस है वो होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैट स्मेल्टिंग इज़ यूज इन द एक्स्ट्रेक्शन ऑफ तो मैट स्मेल्टिंग किसके एक्स्ट्रेक्शन के लिए यूज़ करते हैं लेड जिंक एलमियम या कॉपर तो राइट आंसर यहाँ पे कॉपर ठीक है क्योंकि कॉपर का और जो है ना कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में आता है चालकोपैराट सी यू एफ ई एस टू ठीक है तो इसका हम मैट इस मेल्टिंग करते हैं मैट क्या होता है मैट जो है वो मिक्सचर ऑफ मेटालिक सल्फाइड होता है जैसे कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर इसको हम बोलते हैं मैट ओके लेड का भी वैसे सल्फाइड ओर ही आता है पी लेकिन हम इसको रोस्टिंग के थ्रू कम्प्लीटली ऑक्साइड और में लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर इसको हम ब्लास्ट फर्नेस में प्रोडक्शन करते हैं लेड का ठीक है जिंक का प्रोडक्शन भी जनरली इसी के थ्रू होता है लेड और जिंक का है ना इम्पीरियल प्रोसेस बोलते हैं जिंक जिंक के जो एक्सट्रैक्शन है उसके लिए एलुमिनियम का प्रोडक्शन हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी से करते हैं और कॉपर के लिए हम मैट स्मेल्टिंग का यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर एनी रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन इफ़ डेल एच इज़ पॉजिटिव एंड डेल एच इज़ नेगेटिव देन दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ट्रू या फॉल्स मतलब क्या बोल रहा है कि किसी रिएक्शन के लिए अगर डेल एच पॉजिटिव है चेंज इन एंथेल्पी पॉजिटिव है और चेंज इन एंट्रोपी डेल जो है वो नेगेटिव है तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ये बोल रहा है ये ये सही है कि गलत है आपको बताना है तो देखिए इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा डेल जी का इक्वेशन जानना पड़ेगा डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है डेल एच माइनस टी डेल एस ठीक है अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब चेंज इन फ्री एनर्जी डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी है ना उस रिएक्शन या उस, उस प्रोसेस के होने से डेल जी जो है वो नेगेटिव आना चाहिए अगर डेल जी नेगेटिव है तभी वो रिएक्शन पॉसिबल है है ना अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए डेल जी को नेगेटिव होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर बोल रहे कि डेल एज जो है वो क्या है पॉजिटिव है ये प्लस में है डेलेज क्या है प्लस में है है ना और यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे क्या है डेलेज जो है नेगेटिव है तो डेलेस अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये ये बाहर निकल के क्या कर देगा इसको पॉजिटिव कर देगा तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा डेलेज प्लस टी डेलेज बन जाएगा यहाँ पे एंट्रोपी के नेगेटिव एंट्रोपी के नेगेटिव की वजह से ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया अब आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है तो कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है तो वैल्यू भी नेगेटिव में नहीं आएगी मतलब ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ये ट्रू होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्ट्रेचर स्ट्रेन फाउंड इन लो कार्बन सीट आर एसोसिएटेड विथ मतलब जो स्ट्रेचर स्ट्रेन बनता है ना लो कार्बन स्टील में जिस लूडर बैंड भी बोलते हैं इसका एक और नाम है स्ट्रेचर स्ट्रेन कैसे बनता है ऐसे ऐसे बैंड जैसे बन जाता है स्ट्रेन ठीक है ये लो कार्बन स्टील में जनरली पाया जाता है वो किसके कारण होता है किससे एसोसिएटेड है टेक्सचर डिसलोकेशन डेंसिटी इल पॉइंट फिनोमिना या थिकनेस ऑफ द शीट तो राइट आंसर यहाँ पर एल पॉइंट फिनोमिना ठीक है इल्ड पॉइंट फिनोविना की वजह से यहाँ पे स्ट्रेचर स्ट्रेन और या लूडर्स बैंड बनते हैं ठीक है ओके okay, तो ये था एंड इस वीडियो का ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताना और कोई भी डाउट वगैरह होगा तो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा ओके थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल